पूरे हम आज पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा भारत प्रेस की पोएम नंबर टू, पोएम नेम ए बॉय सॉन्ग्स यानी बाल गीत, और द पोएट ऑफ द पोएम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इस कविता के कवि हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, और ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड। वो एक बहुत बड़े समालोचक हैं, बहुत प्रकृतिवादी हैं, और इन्होंने जो कविता लिखी है सबसे पहले हम जानेंगे राइम है या पोएम है। सबसे पहले जो पांच कविताएं 10th 12th क्लास में आती हैं उसमें जानना जरूरी होता है कि हमें ये पोएम है या राइम है। तो पहले वाली वीडियो में जो पहली पोएम पढ़ी थी वो राइम थी, और यहाँ भी आपको राइम स्कीम देखी जा सकती है। ये समीर है और ये एर है, ये फरी है और ये मी है, यानी द फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड, द सेकंड द थर्ड लाइन लास्ट वर्ड सेम वॉइस, द सेकंड लाइन एंड द फोर्थ लाइन सेम वर्ड। इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं कि राइम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, बोसों का जो परिचय है ये किसके संदर्भ में दी गई है। कभी आज आदमी प्रकृति के अंदर इतना घुस गया है कि उसने जानवर उनके जीवन को तबाह कर दिया है। वो परिंदे जिनका स्वच्छंद विचरण आसमान में होता है, आदमी अपने घरों में छोटे छोटे जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको पालन करता है, उनको पिंजरे में बंद रखता है। लेकिन कभी की धारणा है कि आदमी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जीवों के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में एक शब्द आया बिकॉज, किसी कारण के पीछे कोई घटना या गतिविधि घटित होती है तो उसमें जो रीजन होता है उसके लिए हम किसी चीज को बिकॉज से सेव करते हैं। तो यहाँ देख बिकॉज आई सेट नो स्नेर, बिकॉज क्योंकि आई मीन्स मैं एसेट बिछाता हूँ, अनो नहीं बिछाता हूँ, स्नेर जाल क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। हमारे पास एक वर्ड आया नो और नोट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड, दोनों शब्दों में अंतर क्या है। एक तो नोट है और एक नो है। नो अपने आप में एब्सोल्युटली नेगेटिव होता है, और नो के बाद हमेशा नाउन आती है और नोट के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, ये दोनों अंतर लिखा जा सकता है। तो कभी कहता है कि मैं कभी कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बट बल्कि मैं तो ये यादियां नहीं आई लगाई हम, बट बल्कि आई मैं ल्यू छोड़ देता हूं दैन उनको, उनको पक्षियों को फ्लाइंग उड़ने के लिए फ्रीली स्वतंत्र रूप से, मैं उन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द वर्ल्ड और तमाम सभी समस्त संपूर्ण द बर्ड पक्षी ऑफ द एयर, एयर का मीन्स होता है हवा, लेकिन यहाँ हवा नहीं है, पक्षियों के लिए एयर का मतलब आसमान है। ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी ऑफ द एयर, इस आसमान के सभी पक्षी और बिलोंग है टू मी, मेरे हैं। एक बार फिर से बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट बल्कि आई देर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ द आई, यहाँ ये अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो राइम होती है उसकी मुख्य बात होती है कभी अपनी तुकबंदी के लिए कई आवश्यक शब्दों को छोड़ देता है, कुछ अनावश्यक को अंदर डाल देता है, यहाँ आई है, बट बल्कि आई मीन्स मैं और ल्यू छोड़ देता हूँ दैन उनको फ्लाइंग स्वतंत्र रूप से फ्रीली उड़ने के लिए, मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड ऑफ द एयर, और सभी बर्ड पक्षी ऑफ द एयर, इस आसमान के सभी परिंदे बिलोंग टू मी, मेरे हैं। कभी कहता है आसमान में जितने परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं, मेरे हैं। कभी इस कविता लाइन के माध्यम में कहना चाहता है कि परिंदों की न जाति होती है न बिरादरी होती है। ये कवि ने लिखा है क्या बनाने आया था मैं संसार में और क्या बना बैठा, क्या बनाने आया था इस संसार में, क्या बना बैठा, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद तो कहीं गिरजाघर बना बैठा, हमसे अच्छी जात परिंदों की, हमसे अच्छी जात परिंदों की, आया कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठा। तो जितने भी पक्षी हैं जानवर हैं उनकी अपनी जाति बिरादरी नहीं होती, लेकिन आदमी है दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, आपके सामने या तो खड़ा है या मेरे सामने बैठे हैं। जामिया के चिड़ियाघर में लिखा है एक बड़ा आदमकद दर्पण है आदमी के आकार का, और उसके ऊपर लिखा है कि जितने भयानक जानवर हैं, शेर है, चीता है, भालू है, उन सबको आप देख रहे हैं, उनमें सबसे खतरनाक जानवर वो दर्पण जो लगा है उसके सामने आप कुछ दिखाई दे रहा है वही है। तो आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, और आप देखिए
जानवर कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो कभी आपने देखी किसी हॉस्पिटल के सामने जानवरों की भीड़ कि वो डॉक्टर का इंतजार करें, लेकिन हम देखते हैं आदमी हॉस्पिटल में लाइन लगी है और कितनी भीड़ तमाम, किसी के पास डॉक्टर के पास समय नहीं उनको जांच करने के लिए। लेकिन परिंदे हैं, पक्षी हैं, जानवर ऐसा नहीं करते हैं, इस कारण वो सक्षम जीवन जीते हैं, आराम से जिंदगी जीते हैं। तो जिंदगी पोएम कभी कहता है कि कभी किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करो और खुद जियो, औरों को जीने दो, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति सब कुछ है और हमारे परिंदे हैं, ये हमारा एक परिवार है, ये मेम्बर ऑफ फैमिली है हमारे। अगर हमने इनके जीवन में कुछ विलंब डाला, कुछ विघ्न डाला, तो ये हमारे जीवन में खलल डालेंगे। पहले इतने परिंदे होते थे और जितने में मर जानवर होते थे उन काम तमाम करके हमें परिवार, हमारा जो पर्यावरण उसको शुद्ध रखते थे, लेकिन ऐसा आज आदमी नहीं कर रहा है, वो जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम चैनल देखते हैं बहुत से, एक डिस्कवरी चैनल आता है, ये डिस्कवरी चैनल वालों ने तो वो जानवरों के प्राइवेट रूम में घुस गए, उनकी प्राइवेसी को भंग कर दिया है। एक टाइगर अपने प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है और आदमी कहता है आह तेरी तस्वीर बनाता हूँ, तेरी फोटो खींचता हूँ। तो हम इन चार लाइनों में जानना चाहेंगे कि जानवरों पक्षियों की जिंदगी में हमें कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला वीडियो कल तैयार करेंगे, इसके लिए फॉलो करें, थैंक यू। Thank you.